बड़े जोर शोर से बना था एनडीआईए गठबंधन। अब अखिलेश यादव ने इस अलायंस को ठेंगा दिखा दिया है लंबे असंतोष के बाद, ऐसा तमाम सियासी जानकार बोल रहे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से जारी हालिया चुनावी लिस्ट के बाद। एनडीआईए गठबंधन जो बना था गाजे बाजे के साथ, उसके तहत समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर तालमेल हो जाएगा। 7 प्रत्याशियों की लिस्ट भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रांतीय नेतृत्व के साथ शेयर की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद सपा ने प्रदेश की 79 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। जबलपुर की एक सीट पर पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको बी फॉर्म न मिल पाने के चलते उसे निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ेगा। दरअसल सपा को उम्मीद थी कि एनडीआईए गठबंधन के अंतर्गत उसे कुछ सीटें मिल जाएंगी जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके चलते सपा में प्रत्याशी घोषित करने में इतनी ज्यादा देरी हुई। बाद में गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ने पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन समय कम था इसलिए पार्टी मजबूत प्रत्याशी जो है वो चिन्हित नहीं कर पाई। इसलिए अखिलेश यादव अब खासा नाराज चल रहे हैं। रविवार को भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने वाले थे। इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के रामायण सिंह पटेल और कुछ अन्य पदाधिकारी हैं। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास कुछ सीटों को लेकर लिस्ट भेजी थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद यह तय हो गया कि पार्टी लिमिटेड सीटों पर ही पूरी ताकत झोंकेगी। चुनाव के दौरान पार्टी ने जो सीटें हैं उस पर ज्यादा फोकस किया, उनमें से ग्वालियर, चंबल और विंध ये सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी की ओर से ज्यादा फोकस किया गया। अब आपको यह बताते हैं कि कब कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी और कितनी सीटों पर जीत पाई। 2003 की अगर बात की जाए तो 161 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 7 सीटें ही उसकी झोली में आ पाई थी। 2008 की अगर बात की जाए तो 186 सीटों पर लड़ गई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन झोली में एक ही सीट आ पाई। 2013 की अगर बात की जाए 164 सीटों पर बिगुल फूका मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, लेकिन सारी सीटों पर औंधे मुंह गिर पड़ी। 2018 की अगर बात की जाए 52 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसमें से एक ही सीट पर जीत पाई। ये समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में मौजूदा स्थिति है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में मात्र 69 उम्मीदवार उसने घोषित किए थे। उनमें से भी 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन भरने के पहले ही दूसरे दल में निकल लिए। इस तरह अब 66 उम्मीदवार ही आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में मैदान में हैं। पार्टी ने साल 2018 के चुनाव में 208 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसी साल मार्च में भोपाल की एक जनसभा के दौरान ये बोले थे कि आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी सीटों पर प्रत्याशी घोषित न होने से उसके कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज भी दिख रहे हैं। अब तमाम सियासी जानकार ये बोल रहे कि फूल खिलने से पहले ही बकरी खा चुकी है, मतलब इंडिया गठबंधन का बंटाधार हो चुका है क्या? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए, चुनावी अपडेट्स के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस से लगातार जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।